गोड़ा में दर्दनाक हादसा सामने आया है। घटना महगामा थाना क्षेत्र के महुआरा गांव की है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे एक मकान में घुस गया, जिससे घर में सो रही एक महिला और बच्चे की मौत हो गई, जबकि घर का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अरे दो बजे रात में गाड़ियां घुसा दिया के के चलन घरों में। अरे हमें तीन आदमी थे, कौन कौन? हम, मेरा पत्नी और मेरा बेटा। पत्नी का नाम? पत्नी का नाम पारो जी। लड़का कितना उम्र का? 7 साल का। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की बात कह रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोड़ा से वीरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।